नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो और यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कॉल के द्वारा भी, और अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे पे आपको राशि के अनुसार कौन सी खास चीजें अपने प्रेमी को देनी है, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन में और भी ज्यादा खुशियां और भी ज्यादा मधुरता मिठास आ जाए। तो हम बात करेंगे राशि के अनुसार कि आपको क्या कुछ गिफ्ट्स, कौन कौन से रंग के गिफ्ट्स अपने प्रेमी को देने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। तो मेष राशि वालों के लिए लाल रंग बहुत खास होता है, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो भी मंगल होते हैं। तो आप लोग जो है लाल रंग के फूल जो है अपने प्रेमी को दे सकते हैं। इसके अलावा और भी लाल रंग की चीजें, अगर क्लॉथिंग में आप जाते हैं, अगर फीमेल है आपकी पार्टनर, तो आप लोग जो है अगर लाल रंग के वस्त्र उनको गिफ्ट करते हैं तो काफी हद तक आप लोगों के लिए खास रहेगा। साथ साथ अगर आप उनको कोई ऐसी लाल रंग की अन्य वस्तु देते हैं तो भी आप लोगों के लिए खास रहेगा। बात करेंगे अगली राशि की, यानी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वालों के लिए खास रहेगा यदि आप व्हाइट, सिल्वर या फिर ग्लिटर में अगर आप गिफ्ट करते हैं कोई भी वस्तु, या इसके अलावा अगर आप वॉच गिफ्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए काफी हद तक खास रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए हरा रंग बहुत खास रहेगा, इसलिए आप हरे रंग के अलग अलग चीजें जो है गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप गणेश जी गिफ्ट में देते हैं या फिर अगर आप रिंग गिफ्ट में देते हैं तो आपके लिए खास रहेगा। बात करेंगे हम अगली राशि के जातकों की, यानी कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा अगर आप सिल्वर कलर में कोई भी चीज गिफ्ट करते हैं या फिर पर्ल्स से जुड़ी हुई ज्वेलरी आप गिफ्ट करते हैं तो आपके लिए ये चीज बहुत खास रहेगी। वहीं पे अगर आप क्लॉथिंग में जाना चाहते हैं तो लाइट शेड्स आप गिफ्ट कीजिए। ग्रीटिंग कार्ड्स अगर आप देना चाहते हैं तो लाइट शेड्स, जैसे लाइट ब्लू, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, ऐसे शेड्स जो होते हैं उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए खास रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि वालों के लिए मैरून, मजेंटा, ऑरेंज, रेड, येलो, ये पांच शेड्स जो है काफी हद तक खास रहेंगे। तो इन पांच शेड में से आप कोई भी एक अच्छा सा शेड जो है चुन करके गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो क्लॉथिंग में हो चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार की चीज में हो। अगर आप चेन के साथ पेंडेंट गिफ्ट करते हैं अपने पार्टनर को तो आपके लिए काफी हद तक खास रहेगा। तो बात करेंगे अगली राशि के जातकों की, यानी कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रीन, गोल्डन, सिल्वर, ये शेड्स काफी हद तक खास रहेंगे। इसके अलावा आप लोग पर्पल कलर भी एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट की बात करें तो आप किसी भी तरह का फोटो फ्रेम या फिर बुक आप दे सकते हैं। अगर आपका जो पार्टनर है अगर उसको रीडिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ने का शौक है, तो आप किसी भी तरह की नॉवेल या फिर रोमांटिक नॉवेल आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं पे बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि की अगर हम बात करें, आप लोग अगर ग्लिटर में कोई भी गिफ्ट आइटम देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप पेन गिफ्ट करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जिरकन एड ऑन हो या फिर गोल्डन या सिल्वर कलर का पेन हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पे आप अगर क्लॉथिंग में जाएं तो मल्टी शेड्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। परफ्यूम देना आप लोगों के लिए काफी हद तक खास रहेगा। परफ्यूम में स्पेशली अगर आप इत्र देते हैं चंदन या गुलाब का, तो आप लोगों के प्रेम संबंध में मधुरता जरूर बनेगी। फ्लावर्स जरूर एड ऑन करना मत भूलिएगा, फ्लावर्स जरूर दीजिएगा, रेड या फिर येलो कलर के फ्लावर्स आपके लिए खास रहेंगे। बात करेंगे अगली राशि के जातकों की, यानी वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रेड, मरून या फिर गोल्डन शेड्स बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग अगर गिफ्ट करते हैं तो वॉच गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का आप प्रिंटेड जो आजकल आइटम्स चल रही हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों के कलर्स की, तो कलर्स मैंने आपको बताया रेड, गोल्डन, ऑरेंज, ये शेड्स आपके लिए काफी हद तक अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है रेड फ्लावर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि के जातकों की, यानी वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। तो आप लोगों के लिए कलर्स कौन कौन से अच्छे रहेंगे, येलो, गोल्डन, लेमन शेड, इसके अलावा लाइट शेड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप लोग यदि किसी भी तरह की पेंटिंग गिफ्ट करते हैं या फिर अगर आप
किसी भी तरह का पैसों से रिलेटेड, यानी वॉलेट हो गया, हैंड बैग हो गया, सूट केस हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर गिफ्ट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग जो है येलो कलर के फ्लावर्स एड ऑन कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु के बाद मकर राशि के जातकों की, तो आप लोग चॉकलेट्स दे सकते हैं, चॉकलेट बुके दे सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो आप लोग कलर्स कौन कौन से ऐड ऑन करेंगे, पर्पल ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, स्मोकी ग्रे ले सकते हैं, इसके अलावा ब्लू शेड आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ गोल्डन सिल्वर में देखना चाहें तो सिल्वर इज बेस्ट फॉर यू, सिल्वर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फ्लावर्स की अगर बात करें तो फ्लावर्स में आप ब्लू ऑर्किड्स अगर देते हैं तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए पर्पल ऑर्किड्स बहुत प्यारे रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम कलर्स की बात करें आप लोगों की, तो ग्रे, सिल्वर ग्रे आप यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लू में जो अलग अलग शेड्स होते हैं, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, सियान ब्लू, आप ये सारे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी शेड्स की, तो आप लोग ब्लैक को छोड़ करके जो इसके हल्के जो स्मोकी ग्रे टाइप के शेड्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम गिफ्ट की बात करें कि गिफ्ट आपको क्या देना है, तो आप लोग एक्सेसरीज दे सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की एक्सेसरीज आपके लिए देना अच्छा रहेगा। बात करेंगे अंतिम राशि की, मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि वालों के लिए कलर्स अच्छे रहेंगे, गोल्डन, येलो, ऑरेंज और इसके साथ साथ सिल्वर, ये शेड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि आप किसी भी तरह का ज्वेलरी सेट अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप कफलिंग्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो फ्लावर्स ऐड ऑन कीजिए, इसके अलावा व्हाइट रोजेज ऐड ऑन कीजिए, तो आपके जीवन में और भी ज्यादा तंदुरुस्ती और मिठास भरेगी। तो ये हमने बात करी कि इस वैलेंटाइन डे पे आपको कौन से रंग का गिफ्ट अपने पार्टनर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, और भी वीडियोस में बात करेंगे अलग अलग इसी तरह के विषय पे, तो जरूर देखते रहिए एस्ट्रो तक, और मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राधे।